जलंधर तो एक मामला सामने आया जिथे कि सोमवार को फेसबुक उत्ते लाइव होकर एक व्यक्ति ने कांग्रेसी विधायक और पुलिस अधिकारी तो व्याकुल होकर जहरीली दवाई खा के आत्महत्या करने की कोशिश की, जिस तों बाद वीडियो वायरल हुई तो उसके बेटे ने देखी तो तुरंत अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया, जिथे डॉक्टर ने उसनु 24 से 48 घंटे का समा दिता क्योंकि उस व्यक्ति की हालत बहुत नाजुक सी, जिस तों बाद बीते दिन उस व्यक्ति की हस्पताल दे विच मौत हो चुकी है। लाइव वीडियो देखी रहे होने सारे के फेसबुक पर लाइव हो किसी को लोग फ्रस्ट्रेट हो जो कि यह स्टैप उन्होंने चलिया उन्होंने लाइव वीडियो सारे पास चल रही है देखी हुई किसी बोले चक्कर में कि एक बंदा कि ज़्यादा दुखी किया होना जिन्होंने कि जिन्हें अपने लाइव अपनी सुसाइड करने जिन्हें ट्राई जिन्हें बाकी हूँ रब के अरदास करते जिक्र कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे वेट करो वेट करो उस तो बाद जिदा कि टाइम निकलगा अभी तो फॉर आई जा रहे सर मोस्टली आई जा रहे बट आप फस्ट प्रैफरेंस मेरे फादर आप गौशाला ढवाने या होर मदर अपने ढवाने जो प्रोटेस्ट करे जो बंदा धर्म के चक्कर के जो ये करते हैं अपना जी अपने धर्म के खिलाफ आप नहीं फस सकते कि कारवाइया करवा रहे हैं कभी कोई भेज देंगे अपना पोलिटिकल स्ट्रेस अपना पवा रहे हैं उस चीज़ करके फ्रस्ट्रेट हो जाता बंदा साइड के उन्हें वीडियो साफ साफ लिखा वा बोलिया वीडियो के बोल बोल के कहा उन्हें भी मैं सुसाइड आ बंद करके कर रहा लेकिन आज जो बयान लाए गए इन्होंने ये सानू नहीं पता मैं बीमार हो गया मैं बेहोश हो गया मेरा भतीजा जोड़ा सगा वो बयान लाए गए भतीजे के तो वह भी बेसुरत सगा तो बंद कमरे लिया वो बयान लाए गए सानू इस चीज़ बारे नहीं पता तो असं मंग यही करते हैं भी जे जे मेरे भरा ने वीडियो ना लाए वो सारे कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले बारे पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए दसिया कि मृतक के पुत्र के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया तो दरखास्त के आधार उत्ते मामले की जांच की जाएगी तो जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसने जी अज धर्मवीर बख्शी जिन्हें सुसाइड की सी बेटा जरा अभिषेक बख्शी है वो स्टेटमेंट के उत्ते जी एफ आई आर लॉज की है एफ आई आर लॉज करके असं इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है डेड बॉडी दे असी पोस्टमार्टम लई जिहड़ी उत्थे जिहड़ी हैगी सिविल हस्पताल जलंधर भेज दित्ती है अगे इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ असी जारी है जिहड़ा भी इहदे च दोषी होवेगा उहदे खिलाफ असीं सख्त तों सख्त कार्रवाई करांगे। जिहड़ी सोशल मीडिया उत्ते वीडियो वायरल हो रही है उहदे विच पंज बंदिआं दे नाम लिया जा रहा पंज बंदे कौन कौन है ते पुलिस ने किन्ने बंदिआं ते परचा दर्ज किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਜ ਕੀਤੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ 'ਚ ਆ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।